एंड वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बॉलीवुड गॉसिप में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तो हम बात करते हैं बी टाउन की उन खबरों को लेकर जो इन दिनों काफी ज्यादा गॉसिप का कारण बनी होती हैं। आप देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में कि आखिरकार गॉसिप का कारण कौन है। दरअसल आपको बता दें, इस बारी गॉसिप का कारण है आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस सनी लियोन। जी हाँ, सनी लियोन हमेशा से ही खबरों में छाई रही हैं, कभी अपनी हॉटनेस को लेकर, कभी अपने बयानों को लेकर, कभी अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर। तो हाल ही में सनी लियोन ने अपनी फिल्म को लेकर, अपने किरदार को लेकर एक ऐसी चीज कही है जो कहीं ना कहीं उनकी छवि को बदलता हुआ दिखा रही है। दरअसल सनी लियोन ने जहाँ पे बॉलीवुड से अपने कदम थोड़े पीछे कर लिए हैं और वो तेलुगु इंडस्ट्री में चली गई हैं अपने आप का एक मुकाम हासिल करने के लिए, तो उस फिल्म में जहाँ वो एक योद्धा का किरदार निभा रही हैं, तो अपने उसी किरदार को लेकर सनी लियोन ने कुछ बातों का भी जिक्र किया है। जी हाँ, आखिरकार वो कौन सी बातें हैं, क्या कुछ उनका कहना है, आप देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि बी टाउन में और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो इन दिनों बेहद ही ज्यादा सुर्खियां या फिर यूं कहें बेहद ही ज्यादा गॉसिप का कारण बनी हुई हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए कि आप सभी की फेवरेट सनी लियोन ने आखिरकार ऐसा क्या कुछ कह दिया। बॉलीवुड की हॉट दीवा कहलाए जाने वाली सनी लियोन जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। सनी लियोन के चाहने वाले देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं, जो उनकी एक झलक का इंतजार बेसब्री से करते हैं। भाई ये तो आप सब जानते ही हैं कि सनी लियोन जो हैं वो अब बॉलीवुड से थोड़े अपने कदम पीछे कर चुकी हैं, तो वहीं उन्होंने अब कदम रखा है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, जहां पे अपनी हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म को लेकर सनी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। तमिल फिल्म वीर माता देवी में सनी लियोन एक योद्धा की भूमिका निभाने जा रही है, तो वहीं इस फिल्म में जहां पे सनी लियोन पहली बार योद्धा की भूमिका में देखेगी, तो अपनी इसी भूमिका को लेकर सनी का कहना है कि वो अपनी इसी भूमिका को लेकर काफी सालों से इंतजार कर रही थी। कहीं ना कहीं सनी यहाँ पे बॉलीवुड को भी टारगेट करती दिखी। सनी जहाँ पे बॉलीवुड में हमेशा से हॉट और सिजलिंग अवतार करती दिखाई दी हैं और ऐसे में तमिल में वो एक योद्धा का किरदार निभा रही हैं, तो उनका कहना है कि योद्धा की भूमिका वो निभाना चाहती थी। सनी लियोन आने वाली फिल्म वीर माता के साथ तमिल फिल्मों में डेब्यू करेंगी। काफी समय पहले फिल्म में उनका लुक भी सामने आया था, जिसे देखने के बाद फैंस ने उनकी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी जताई। सनी लियोन इन दिनों लॉन्च एंट्रेंस में है, ऐसे में मीडिया एजेंसी के थ्रू उनका एक इंटरव्यू किया गया था जहां पे उनसे इस फिल्म को लेकर सवाल पूछे गए, तो यहाँ पे वो कहती दिखाई दी, मैं इस तरह की परियोजना का हिस्सा बनने में बेहद उत्साहित हूँ। योद्धा बनना ऐसा ही कुछ है जो मैं हमेशा से निभाना चाहती थी। आपको बता दें कि वीसी वदुरायना द्वारा निर्देशक वीरमा देवी ने नवदीप में प्रमुख भूमिका में है। दरअसल बताया जा रहा है कि हाल ही में सनी लियोन अपनी लाइफ पे आधारित वेब सीरीज भी, जहां उनकी ये काफी ज्यादा चल रही है, तो इस वेब सीरीज को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके बाद अब फैंस को वेब सीरीज तमिल डेब्यू में भी कराया जाएगा, जो इंतजार वो बेसब्री से कर रहे हैं कि सनी लियोन की करण जीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी जो है उसका तमिल वर्जन आए, तो कहा जा रहा है कि इस वेब सीरीज में अब वो तमिल वर्जन भी दिया जाएगा। दरअसल सनी लियोन एक एडल्ट स्टार है, ये तो हर कोई जानता है, मगर सनी लियोन अब ऐसा है, जब से उन्होंने अपने बच्चों को गोद लिया है तब से सनी लियोन अपनी इमेज को बदलना चाहती है। कई बारी सनी लियोन मीडिया के सामने भी खुल के ऐसी बातचीत करती हैं, वो कहती हैं कि मेरा पास्ट जो भी था पर मैं अब अपने पास्ट को बदलना चाहती हूँ। मानो कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी किरदार निभाया या जो भी उनकी लाइफ की जर्नी रही है, वो चाहती हैं कि लोग उन्हें
एकदम सही तरीके से देखी। शायद ये भी हो सकता है इसी के चलते उन्होंने सहारा लिया है तमिल इंडस्ट्री का, जहाँ पे जहाँ उन्हें फिल्म भी मिली और एक योद्धा अवतार भी। अब देखना होगा कि जहाँ सनी लियोन ने बीचा उनको अलविदा कहा या फिर यूं कहें थोड़े कदम पीछे करे, तो ऐसे में तमिल इंडस्ट्री में सनी का ये नया अवतार कितना जादू बिखेरता है। वही आपको बता दें, सनी लियोन ने जहाँ पे पहले अपनी बेटी को गोद लिया था, तो वहीं उसके बाद सनी लियोन ने अपने दो बेटों को भी गोद लिया है। अक्सर ही तमाम फोटोज उनके पति डैनियल के साथ बच्चों के साथ मस्ती करते हुए भी दिखाई दी जाती है। और अगर बात की जाए सनी लियोन की वेब सीरीज की, तो वो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हुए भी दिख रही है। जी हाँ, ये कहना भी गलत नहीं है कि सनी लियोन की जो फिल्म है वो काफी ज्यादा हद तक चल भी रही है, काफी पॉजिटिव उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब ऐसे में सनी ने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है तमिल इंडस्ट्री में जाके, उम्मीद है कि ये चैलेंज वो बखूबी निभाएंगी और फैंस के दिलों में अपनी एक अलग छवि को वो जरूर बना के सामने आएंगी। देखा बॉलीवुड गॉसिप में आखिरकार हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ गॉसिप बी टाउन में चल रही है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो यकीनन आप लोग मिस करे बैठे थे, मगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो सारी चीजें आपकी मिसिंग खत्म हो गई होंगी। आपने जाना कि सनी लियोन ने क्या कुछ कहा। दरअसल हाल ही में सनी लियोन की जो बायोपिक बन के जो सामने आई है, हालांकि वो वेब सीरीज है, उस वेब सीरीज में सनी की लाइफ के बारे में दिखाया गया। सनी लियोन पहले करणजीत कौर थी, जो उनकी वेब सीरीज का नाम भी था करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी। करणजीत कौर से सनी बनने तक का सफर उनकी बायोपिक में दिखाया गया, जहां पे तमाम चीजों का भी जिक्र किया। वहीं वो बायोपिक काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, लोग काफी ज्यादा उनके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सनी ने जहां भी टाउन से कदम थोड़े पीछे किए, तो वहीं वो तमिल इंडस्ट्री में चली गई। तमिल इंडस्ट्री में अभी उनकी फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया था, जिसमें सनी लियोन जो बी टाउन में काफी ज्यादा हॉट एक्ट्रेस मानी जाती हैं, है भी एडल्ट स्टार रह चुकी हैं। साथ ही साथ सनी लियोन जहाँ पे काफी ही ज्यादा, जब भी उन्होंने बॉलीवुड में फिल्में की तो वो काफी ही ज्यादा उनका जो रोल रहा है वो काफी ज्यादा हॉट भी था और सिजलिंग भी था। मगर तमिल इंडस्ट्री में जैसे ही सनी ने कदम रखा, तो वो सबसे पहली जो उनकी फिल्म रही, उस फिल्म में उन्हें योद्धा का अवतार मिला। और अपने इसी अवतार को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अब चाहती हूं कि मुझे ऐसे ही अवतार मिलते रहे। मानो कहीं ना कहीं सनी भी अपनी इमेज को चेंज करना चाह रही है, कहीं ना कहीं सनी भी चाहती हैं कि जो इमेज उनकी बोल्ड है काफी ज्यादा, वो इमेज थोड़ी चेंज हो जाए। मानो ऐसा लग भी रहा है कि जब ये फिल्म सामने आएंगी तो लोग उनके इस लुक को भी एक्सेप्ट करेंगे और काफी ज्यादा खुश भी होंगे। और कौन से ऐसे एक्टर रहे गॉसिप का कारण, आपने देखा हमारे इस प्रोग्राम में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।